बच्चों आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, तृतीय पाठ डिजी भारतम। ठीक है, तो देखो प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया है। ये जो पाठ है, ये पाठ किसके ऊपर लिखा गया है? डिजिटल इंडिया को लेके। आप लोग को डिजिटल इंडिया के बारे में बहुत कुछ पता होगा क्योंकि आप हर टाइम यूज करते रहते हैं, है ना। तो आज चलो इसके यहाँ हम पढ़ेंगे कि इस चैप्टर के अंदर डिजिटल इंडिया के बारे में क्या है। तो प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया है। निबंधात्मक पाठ है ये, जो पाठ है ये पाठ सिर्फ डिजिटल इंडिया को लेकर लिखा गया है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुपाया गया है जिसमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्या छुपाया गया है कि इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयाम को छुपाया गया है। इसमें जो साइंटिस्ट जो डेवलप करते हैं, जो वैज्ञानिक लोग जो डेवलप करते हैं, उसको वो प्रगति को इसमें छुपाया गया है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, एक क्लिक करके बहुत कुछ काम कर सकते हैं। ठीक है, और आज इंटरनेट के हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। तो इंटरनेट कितना सरल बना दिया हमारे जीवन को, ये बात तो हमको 2 साल हो गए पता चल ही रहा है कि हम लोग को इंटरनेट के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, क्लास अटेंड कर पा रहे हैं, हम लोग कहीं भी बैठ के आप लोग को पढ़ा सकते हैं, आप लोग पढ़ भी सकते हैं, है ना। और इंटरनेट नहीं होता तो ये सब पॉसिबल नहीं होता, ना हम कहीं बैठ के आपको पढ़ा सकते थे, ना आप पढ़ सकते थे। तो इसीलिए इंटरनेट हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। क्लास के बाद तो छोड़ो, जब क्लास नहीं हो रहा था ऑनलाइन, लेकिन हम क्या करते थे, हम हमारे मम्मी पापा से, हमारे भाई से, बहन से, या हमारे रिश्तेदार से जो हमारे से दूर है, हम इंटरनेट के थ्रू हम क्या करते थे, वीडियो कॉलिंग करके उनको देख सकते थे, कुछ मैसेज उनके पास सेंड कर सकते थे, कुछ सामान भी भेज सकते थे। जो कुछ भी चल रहा था सब इंटरनेट के ऊपर ही चल रहा है और चल रहा था और चलेगा भी आगे। तो इसीलिए ये जो इंटरनेट है हमारे जीवन को कितना सरल कर दिया है। हम भौगोलिक दृष्टिया से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं, है ना। भौगोलिक दृष्टिया से हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के निकट में आ गए हैं। जैसे हमारे अभी इंटरनेट बंद हो जाए तो हमारे सारे काम जैसे रुक जाएगा, है ना, सारे काम जैसे बंद हो जाएगा। उस मतलब हम इतने निकट आ गए एक दूसरे के पास, और इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गया है। तो ये इंटरनेट के द्वारा और ये डिजिटल इंडिया के द्वारा क्या हो रहा है, हर जीवन में हमारे हर दिन लाइफ कितना सरल हो गया है, हर काम इजीली हो जाता है। जैसे हमको इलेक्ट्रिक बिल पे करना रहता था, हम क्या करते थे, इलेक्ट्रिक ऑफिस जाके इलेक्ट्रिक बिल पे करते थे, लेकिन अभी घर में बैठे बैठे इलेक्ट्रिक बिल भी पे कर देंगे। किसी के बैंक अकाउंट को हम पैसे भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, घर बैठ के हम सामान मंगवा सकते हैं, घर बैठ के खाना मंगवा सकते हैं, कपड़े मंगवा सकते हैं। तो ये सब चीज़ कैसे हो रहा है, किसके थ्रू हो रहा है, इंटरनेट के थ्रू। हम इंटरनेट को यूज करके कर पा रहे हैं, और इंटरनेट नहीं रहेगा, बंद हो जाएगा, तो ये सारे काम हमारा बंद ही हो जाएगा। इसीलिए हम एक दूसरे के कितने नज़दीक आ गए हैं, एक दूसरे के बिना रहना मुश्किल हो जाएगा, हमारे जो सरल लाइफ अभी चल रहा है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसीलिए कहा गया है कि भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं, इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गया है। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। इस भाव को, इस बात को यहाँ क्या किया गया है, सरल संस्कृत भाषा में बताया गया है। देखो अद्य संपूर्ण विश्व डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अभी क्या हो रहा है पूरी दुनिया में, ठीक है, संपूर्ण विश्व मतलब पूरी दुनिया में डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते, इसकी चर्चा सुनी जाती है। ठीक है, हर कहीं जाओ तो डिजिटल इंडिया के बारे में सुनी जाते हैं,
और हम क्या करते हैं, सुबह से उठकर रात को सोने तक तो डिजिटल इंडिया के बारे में सुनते हैं, उसको हमारे लाइफ में प्रयोग भी करते हैं, यूज भी करते हैं। अस्य पदस्य कः भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। ये जो शब्द हम सुन रहे हैं डिजिटल इंडिया, इस शब्द का क्या अर्थ है, क्या भाव है, क्या अर्थ है, ये हमारे मन में जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। ठीक है, कि हम यही सोच रहे हैं कि ये जो डिजिटल इंडिया है, ये जो शब्द है डिजिटल इंडिया के नाम पर जो शब्द है, ये शब्द क्या है, हम कैसे इसको प्रयोग करते हैं, क्यों हम डिजिटल इंडिया कह रहे हैं, इसको जानने का जिज्ञासा, मतलब जानने का मन में जानने का इच्छा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। काल के परिवर्तन के साथ साथ क्या होता है, समय के बदलने के साथ साथ भी मानव की आवश्यकता भी बदलती है। ठीक है, मनुष्य की आवश्यकता भी परिवर्तित है, मनुष्य की आवश्यकता भी बदलते हैं। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदान मौखिकम् आसीत्। प्राचीन काल में क्या होता था, ज्ञान के आदान प्रदान करने के लिए सिर्फ मौखिक भाषा ही था, लिखित भाषा नहीं था, है ना। जैसे कि प्राचीन काल में गुरुकुल में जाके पढ़ाई करते थे और गुरु जो बोलते थे, गुरु के सामने शिष्य बैठकर उनके बात को सुनकर ही मन ही मन उसको याद करते थे, याद रखते थे। लेकिन उस टाइम लिखने का कोई सुविधा नहीं था। ठीक है, प्राचीन काल में क्या होता था, सिर्फ मौखिक ज्ञान की आदान प्रदान होता था। उस टाइम कागज के और कलम के आविष्कार भी नहीं हुआ था, तो लेखन कार्य आरंभ नहीं हुआ था, इसीलिए हमेशा क्या करते थे कि मुंह पे बोलकर मौखिक कार्य में भी सारे काम क्या होता था, भाव के आदान प्रदान करना सिर्फ मौखिक था। विद्या च श्रुति परंपराया गृह्यते स्म। और विद्या कैसे ग्रहण किया जाता था, श्रुति परंपराया, मतलब सुनकर याद रखना, उसको क्या कहते हैं थे, श्रुति परंपराया, पढ़ाई सुनकर सीखने की परंपरा द्वारा ग्रहण की जाती थी। ठीक है, सुनकर ही याद रखते थे। और क्या होता था, अनंतर तालपत्र अपि भोजपत्र अपि च लेखन कार्य आरब्धम। अनंतरम, उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे बाद में क्या हुआ, तालपत्र उपरि, तालपत्र के ऊपर, फिर भोजपत्र परि, भोजपत्र के पर, और च लेखन कार्य आरब्धम, लेखन कार्य आरंभ हुआ। ठीक है, तो क्या हुआ, पहले हमारे लिखने का कोई सुविधा नहीं था, तो सारे बच्चे क्या करते थे, गुरुकुल सुविधा था, और गुरु क्या करते थे, गुरु के सामने शिष्य बैठकर गुरु के बात सुनकर याद रखते थे, बात सुनकर उसको अपने जीवन में प्रयोग करते थे। ठीक है, उस टाइम सिर्फ मौखिक कार्य ही था, तो अपने भाव को आदान प्रदान करने के लिए मौखिक आसित। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, तालपत्र के ऊपर लिखे, फिर उसके बाद भोजपत्र के ऊपर लिखना शुरू हुआ। ठीक है, तो कल हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि आगे फिर जाके कैसे डेवलप हुआ।